ऑटिज्म एक मानसिक विकास विकार है। जब कभी बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है तब उसे ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसका भौतिक रूप से विकास तो होता रहता है लेकिन मानसिक विकास नहीं हो पाता। ज्यादातर ये विकास रुकने का कारण गर्भावस्था में आई हुई समस्या होती है। गर्भावस्था में यदि कोई माता गलत दवा खा लेती है तो उस दवा के दुष्प्रभाव से बच्चे को अपने मानसिक विकास में समस्या आती है। पर कभी कभी मानसिक विकास रुकने का कारण पर्यावरण कारक भी होता है और आनुवंशिक रूप से भी होता है। ये कोई बीमारी नहीं है जो किसी और को हो जाए, बस ये एक मानसिक समस्या है जो किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे का मानसिक विकास धीरे धीरे होता जाता है। अगर वो साथ साथ व्यायाम और चिकित्सा करते रहे तो उनके विकास में परिवर्तन जल्दी आता है। यदि बच्चों पर सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी मानसिक विकास में समस्या आती है। ये समस्या किसी साधारण बच्चे के साथ भी आ सकती है। सबसे अच्छा होता है अगर हम ऑटिस्टिक बच्चों को साधारण बच्चों के साथ रहने दें, इससे उनके विकास में सुधार आता है। बुआ के पास बुआ बैठ बैठो बैठ चलेंगे बैठ जा हाँ। बैठ गाड़ी पे अम्मा अम्मा के साथ अम्मा चलेगी अम्मा चलेगी बुआ के पास लेके चलूंगा अभी। अरे 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 बस बस नीचे बस रुक जा नीचे करो हैंड बस सीधा बैठ इधर देखो गाड़ी पे चलेंगे गाड़ी के चलाता गाड़ी जानो और आप इसके क्या लगते हैं जानो के दादी कि आपके साथ कितने साल से रह रहे हैं? मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए गांव मैंने मम्मी पापा के पास भेज दिया। मेरे पास 10-12 साल रहा, जानू जो है 16 साल का हो गया। डॉक्टर ने इसके लिए क्या बोला है? इसके लिए ये बोला कि दवा कैलाश में हमने इलाज कराया 8 साल, डॉक्टर ने बस ये कह दिया कि अब दवाई कोई नहीं है, अब तो ऊपर वाले के अच्छी तरह उससे प्रार्थना की आज हमारे साथ है, आज हमारा बच्चा है और ऐसा आपके साथ होता तो आप ऐसे ही करते। ये कहीं अंत से शुरू आया है, जो ये नॉर्मल बच्चे हैं तो ये भी वहीं से आया है, पर भाई इसको भी खिलाओ, बच्चों के साथ खेलने दो इसको भी, जिससे कि इसको भी मतलब अंदर से ये आए कि हम इनके साथ भी कहना चाह रहे हैं इनको भी अलग ना करें। हाँ सब एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। वाह thank you.
मेरा नाम नीलिमा गुप्ता है और मैं 25 साल से शिक्षण पेशे में हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन्हें साधारण बच्चों के साथ खुलना मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, लेकिन बस वह थोड़े से असाधारण है। पर लोग ये भूल जा रहे हैं कि उनकी सिक्स सेंस ज्यादा काम करती है। वह ज्यादा लोगों से प्रौढ़ होते हैं। कोई नृत्य में होता है तो कोई संगीत में, पर वह ज्यादा समझदार होते हैं लोगों को समझने के लिए। हम समस्या सोचते ही नहीं हैं। हम बच्चों को भर्ती करते हैं, उनको सबके साथ रखते हैं और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे दूसरे बच्चों के साथ। हम सभी को एक समान शासन करते हैं और प्यार भी। वो साधारण बच्चों के साथ उठते बैठते हैं और इनको यह महसूस नहीं होने देते कि वो साधारण नहीं है, क्योंकि वह कुछ और नहीं बल्कि भगवान के दिए हुए अनमोल रत्न है। नहीं, ऐसा हम नहीं मान सकते हैं। इन बच्चों के माता पिता की सोच को बदलना आवश्यक है और हम भी यह चाहते हैं कि इन बच्चों पर कोई अत्याचार ना हो। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि लोग इनको प्यार करें, इनको इज्जत दें और इनको दिल से अपनाना शुरू करें।